देखिए दोस्तों, आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है वो सारे टाइम में दोस्तों रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से बुक पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, जो यहाँ पर हमें लेकर आया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेने हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो बनाया था उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देख लेना है, और दोस्तों यहाँ से भी आप लोग को बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी सेलखरी की बनी होती है। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। क्या है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दो नंबर का ए नंबर यानी हरियाणा में स्थित है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर तीन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों के को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन नंबर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका टाइम जो दोस्तों काफ़ी करीब है और पढ़ना जरूरी है। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कासंग युग की सभ्यता थी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहां पर 6 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किससे आधारित थी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी व्यापार पर, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर 7 नंबर का क्या होगा, सी नंबर यानी मारुति देवी की उपासना करते थे। आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न को पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था दोस्तों, 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी शहरी सभ्यता था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 9 नंबर का क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी मोहन जोद्रो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सारे प्रश्न को रट लेना है आप लोग को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग को पूछे जाने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर दयाराम साहनी ने की थी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शैवेंद्र की रचना कौन सी है। तो शैवेंद्र की रचना कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर 13 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी मुद्राध्यक्ष हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल 14 क्या बोल रहा है, इंडिका की रचना है। तो इंडिका की रचना कौन है, यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी मेगास्थनीज हो जाएगा। दोस्तों आपका टाइम जो मैं वेस्ट नहीं करूँगा मैं, इसलिए फटाफट मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को तेज़ी लगता है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि धम्म की शुरुआत किस शासक ने शुरू किया था यानी स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 15 का बी नंबर यानी अशोक, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी का दोहत्र कहा जाता था। तो यहाँ पर आंसर क्या 16 नंबर का दोस्तों, क्या हो जाए ए नंबर यानी समुद्रगुप्त को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, तो 17 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त काल में हरित सेना का प्रधान हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो इसका 17 नंबर का आंसर सी नंबर जाएगा यानी महापुलिपति कहते थे, महापुलिपति। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से महिला संत कौन थी, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी नंबर जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 19 नंबर कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो 19 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी नेपोलियन। अगर आपका जो दोस्तों जो भी सब्जेक्ट है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि दोस्तों आपका सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर वीडियो आ रही है और दोस्तों आपकी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर दी 1 या 2 घंटे में। अब यहाँ पर देखो दोस्तों 20 नंबर देखते हैं, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना सॉरी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा 20 नंबर का बी नंबर जाएगा श्रवण बोलगुला में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, हिंदू धर्म को मानता था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, अशोक किस धर्म को मानता था। तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म को मानता था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर जाएगा नहीं वीरहद्रथ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का राइट आंसर सी नंबर जाएगा वीरसनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पांडवों और सॉरी 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा युधिष्ठिर हो जाएगा।
अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पंचाली किसका उपनाम था। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा यानी गंधारी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शंकर सिंह किसका दूसरा नाम था। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यानी बलराम। अब आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेने आप लोग, और दोस्तों बहुत सारे वीडियो आने वाले, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर, भीष्म पिता महा का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी देवव्रत नाम था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था। तो 29 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा भगवत गीता में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो फिर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या यहाँ पर कितनी है दोस्तों, तो 32 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 18 है। हम इस फटाफट इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपका एग्जाम जो है कुछ घंटे बाकी है, सो इसलिए फटाफट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 34 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर जाने ब्रह्मचारी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, तो सी नंबर हो जाएगा यानी जैन धर्म से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिपाठिक किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर यानी बौद्ध धर्म से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 37 नंबर क्या बोला जा रहा है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो 37 का राइट आंसर सी नंबर यानी वैदिक काल। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या बोला जा रहा है, आर्यों का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो 38 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर यानी गाय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, जी 39, आर्य औरतों का पे क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों प्रिय पे क्या था, तो 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर सोमरस हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, महात्मा बुद्ध को महावीर महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर हो जाएगा यानी कुशीनगर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, नूर जहाँ का असली नाम क्या था। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, तो श्री नंबर हो जाएगा यानी मेहरुन निशा बेगम। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, आयनी अकबरी के लेखक कौन थे। तो इसका 42 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी अबुल फजल हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियो आने वाले जो कि आपको 100% तैयारी हो जाएगी, तो इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न एजिटिव पूछा जाएगा। तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर 43 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, 44 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 45 नंबर, आयने अकबरी में कितने अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, 45 नंबर का राइट आंसर ए बी नंबर हो जाएगा यानी 12 है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, 46 नंबर, कह रहा है कि भारत आने वाला पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, 46 नंबर का, तो 46 का राइट आंसर जो है ए नंबर फरगना हो जाएगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर क्या बोल रहा है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 47 का आप लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं, जी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 47 का भी ए नंबर यानी 1582 ईस्वी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 नंबर आ चुकी है, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो इसका राइट आंसर यानी दक्षिण भारत में बिताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 48 का क्या हो जाता है, चलिए तो डी नंबर जगह। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ जो दोस्तों राइट आंसर ए नंबर यानी बाबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, डी नंबर यानी 1582 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा यानी शाहजहाँ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर हम लोग 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। तो यहाँ पर दोस्तों 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर यानी 1563 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर ने जज्जा कर कब समाप्त किया था। तो यहाँ पर 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा यानी 1564 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दमन इको क्या था। तो दमन इको क्या था, 54 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी जवाब दे सकते हैं, 54 का ए नंबर यानी भूभाग था।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बराबर देखेंगे 55 नंबर क्या बोला, मुगल किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा यही अकबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बराबर देखेंगे क्या 56 नंबर क्या बोला, दीने इलाही संबंधित है, तो दीने इलाही किससे संबंधित है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन बराबर देखेंगे क्या 57 नंबर, अब अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके शासनकाल में यानी समकालीन सम्मान में रखी थी, तो दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं जी डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर यानी सलीम चिश्ती के। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग देख लेने हैं, मुगल बादशाह अकबर का राजाभिषेक कब हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 58 नंबर का राइट आंसर, तो 58 का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा यानी 1556। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसकी रचना कौन सी रचना थी, कृष्णदेव राय की कौन सी रचना थी, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यानी ए नंबर हो जाएगा यानी अमुक्त माल्याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन गोपुरम संबंध है, तो किसका किससे संबंध था, तो यहाँ पर 60 नंबर का आंसर सी नंबर मंदिर से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बात 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्रविड शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था, तो यहाँ पर 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी गोपुरम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 62 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 63 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेने आप लोग को, मैं फटाफट बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर ए नंबर संगम वंश के शासक थे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी 1336 हो जाएगा। अब दोस्तों 66 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि अलवार संत किसके उपशासक थे, तो अलवार संत किसके उपशासक थे, तो यहाँ पर 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, चलिए तो बी नंबर जाएगा विष्णु हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नयनार संत किसके उपासक थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 66 नंबर का, तो 66 का सी नंबर हो जाएगा शिव के। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर क्या बोला जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो यहाँ पर 68 नंबर का राइट आंसर ए नंबर चिश्ती। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं रामानंद के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या 70 नंबर क्या बोला, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर यानी अजमेर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी तलवंडी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना आप लोग को, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 72 का क्या हो जाता है, तो 72 का ए नंबर यानी बीजक में मिलता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कबीर किस संत के शिष्य थे, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर रामानंद हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो 74 नंबर का, 74 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, यानी लाखों का दान करने वाला, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, दोस्तों यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या हो जाता है, श्री नंबर हो जाएगा मेघस्तनीस हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, करके अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 77 का श्री नंबर यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 78 नंबर क्या बोला जा रहा है, करके गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत कौन आया था, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी फाइयान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, कौन आया था, तो यहाँ पर दोस्तों 78 का राइट आंसर ए नंबर जगह फैयान आया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 79 नंबर क्या बोला जा रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 79 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी जी एस लिबीदेव को। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला किस भाषा में लिखा था, तो दोस्तों 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी अरबी भाषा में लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर यानी यूनानी हो जाएगा।
अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 82 नंबर क्या, अल बरूनी भारत किस सदी में आया था, तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 11वीं हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो 83 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मोरक्को का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों को 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्यों दिखा दिया क्यों दिया था, तो 84 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी दहेज में दिया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी गोलकुंडा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 86 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विलियम जॉन्स ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, 87 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड वेल्सली हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सहायक संधि का पर नेता कौन था, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी लॉर्ड वेल्सली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन वाले स्कोर्ड बना, तो कब बना था दोस्तों, तो 89 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर यानी 1773 हो जाएगा, सॉरी 93। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके नंबर नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मंगल पांडे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 91 क्या बोला जा रहा है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 नंबर का राइट आंसर, तो 91 का सी नंबर हो जाएगा, नाना साहेब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 93 नंबर क्या बोल रहा है, पटना कॉलेज का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी को गोदाम था, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 93 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर डच का था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या, 94 नंबर क्या बोला जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 94 का राइट आंसर क्या होता है, तो डी नंबर यानी WC बनर्जी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 95 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बंगाल ने सॉरी अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था, तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी 1905 में। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर क्या है, 96 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर 96 का क्या हो जाता है, तो आप लोग यानी सी नंबर जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर सी नंबर चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या आ चुके हैं 98 1922 ईस्वी में आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 98 का डी नंबर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।